लेकिन आपकी उम्र क्या थी जब आपने पहला ट्रेड किया? तो 2015 में मैंने इसको शुरुआत किया था और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। जहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड हो रहे हैं ना, वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। और जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, एक ही जैसा काम करेगा। पहले साइबर कैफे में गया, वहाँ पर आवर का एक पैसा दिया जाता था, जाके उसको दिए और पहला मारे थे कि व्हाट इज ग्राफ इन स्टॉक अच्छा, मार्केट। और वहाँ से पूरा खजाना खुल के आ गया कि यार कुछ टेक्निकल होता है, कुछ फंडामेंटल होता है, दूसरे टाइप का एनालिसिस होता है। और ओ माय वहाँ से गॉड, सारी चीज़ें शुरू हो गई। उस समय मेरा अपना डीमैट अकाउंट नहीं था, मैंने अपने जो है अपने पेरेंट्स को मैंने ओपन करवाया था और उनको बोला भी नहीं कि मैंने क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला कि बस हमको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाई क्या? नहीं, गर्लफ्रेंड तो खैर अभी तक मैंने नहीं बनाया, क्योंकि हमको ऐसा लगता क्या है कि बात समय है यार, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डाटा मिला भी होगा, मैं आपको सेंड किया था और मेरा चैनल पे भी अपलोड किए थे। लगभग 4,000 को 40,000 बनाए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे उस पर। औरंगाबाद बिहार से आए एक ट्रेडर नरेंद्र सिंह, जिनको एक आईएएस ऑफिसर बनना था, कोचिंग लेने के लिए गए, लेकिन वहां पे पता चला कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है, कोचिंग छोड़ दी, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखा, अपनी ट्रेडिंग स्किल को और बेहतरीन किया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको लग गया कि अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ। इन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी एक गाड़ी भी खरीद दी, जो एक तरीके से किसी के लिए भी एक अचीवमेंट हो सकता है। 4,000 रुपये से 40,000 रुपये अपने एक YouTube वीडियो में करके दिखाए, तो एक तरीके से ही वॉज कि आई कैन डू इट। स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है, और एक तरीके से टेम्परामेंट भी है। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को राहुल द्रविड़ के बैटिंग स्टाइल से कंपेयर करने वाले एक ट्रेडर के साथ जब हमने बात की तो बहुत मज़ा आया। इस पॉडकास्ट को देखिएगा, सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, एंड होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। छब्बीस साल के नरेंद्र कुमार औरंगाबाद बिहार से आप हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल बनता है। और ये सारा मोटिव हमारा यही है कि इंडिया का ट्रेडर जो कि अभी अभी क्या बहुत जल्दी ही बड़ा ट्रेडर बनने वाला है, उस ट्रेडर को उसकी शुरुआत की स्टेज पे एक स्टेज ले मतलब एक एक प्लेटफॉर्म देना और मेक श्योर करना कि उसने जो अभी सीखा है, फ्रेशली सीखा है, उसके बेसिस पे बाकी पूरी इंडिया के जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो क्या सीख सकते हैं। तो आप एक जीता जाता एग्जांपल हो उस चीज़ का नरेंद्र, एंड हमें बहुत खुशी है आपसे बात करते हुए। तो आप 26 साल के हैं, लेकिन आपकी उम्र क्या थी जब आपने पहला ट्रेड किया? तो 2015 में मैंने इसको शुरुआत किया था और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और मेरा सीखने की जो शुरुआती था, वो 2013 से मैंने शुरू किया था। वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया और मेरा ये था, ये बहुत पहले पता चला, बहुत स्टार्टिंग फेज में ही पता चला कि बिना सीखे समझे तो ये मार्केट किसी के लिए नहीं है। ठीक है, वहाँ से जब मैंने हाँ और वहाँ से मैंने 2015 से मेरा जो एक जर्नी शुरू हो गई, वहाँ से मैंने प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो गया। जो होता है कि मैंने एक स्टेज आया जहाँ से मैंने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, तो वह स्टेज 2015 से शुरू हुआ। और उसके बाद मैंने स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू किया, फिर इंट्राडे शुरू करना, उसके बाद फिर एफएनओ में इंटर कर गया और मौका मिला, हमने क्या फॉरेक्स बात में भी है। काम किया। तो जल्दी लोग क्या करते हैं ना कि पहले ट्रेड करते हैं, नुकसान खाते हैं, फिर सीखते हैं। पर 2013 में आपकी उम्र होगी, मेरा मैथ अगर सही है तो 17 साल, है ना, 17-18 साल। तो बिल्कुल, 17-18 साल से मैंने शुरू किया था। उस समय मैं बताऊँ, उस समय मेरा अपना डीमैट अकाउंट नहीं था, मैंने अपने जो है अपने पेरेंट्स को मैंने ओपन करवाया था और उनको बोला भी नहीं कि मैंने क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला कि बस हमको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए उनको और पता वहाँ नहीं से मैंने उनके नाम शुरू पे किया डीमैट था। अकाउंट खुल गया है और उसको यूज़ आप कर रहे हो। मेरा एक कई मिशन था, जैसे एक होता है ना कि एज अ ट्रेडर बनने का मतलब क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे मैंने एक सोचा कि क्या इसका एक हम करेंगे कि इसमें कैसे मानेंगे कि मैंने इसमें करियर बना पाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारा मतलब ब्लॉग पढ़ते रहता हाँ था। उस समय इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं चलता था जितना आज चलती है, तो वहाँ पे मैंने सब देखा और वहाँ से मेरे को समझ में आ गई थी हाँ कि यहाँ पे आप जो भी प्रॉफिटेबल बनोगे तभी बनोगे जब आप मंथ एंड मंथ आपको प्रॉफिटेबल निकले। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन प्रॉफिट कर लिए, 1 सप्ताह प्रॉफिट कर लिए, आप ट्रेडर बन जाओगे।
तो जब मैंने इसको 2015 में मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, करेक्ट। तो वो मेरा एक थम रूल बनाया कि हमको मिनिमम 10 ट्रेड लगातार सही करनी है, ठीक है। और ये 2015 में इसको अचीव किया कि मैंने अच्छा लगातार 10 ट्रेड को सही कर लिया। मेरा ये मोटिव था कि अगर 10 से अगर जगह पे 9 होता था तो फिर से वहाँ शुरू। और इससे मेरा क्या हुआ कि मैंने टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा पकड़ बना ली। आप कह रहे हो 2013 में, थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहूँगा मैं। आप 2013 में कह रहे हो आप सीख रहे थे, लेकिन आप सीख कहाँ से रहे थे, क्या सोर्सेज थे आपके? तो इंटरनेट पे मेरा रुझान रहा और वहाँ से मैंने जाके हर चीज़ को सर्च करता था गूगल पे। तो गूगल पे सर्च करता था तो उस समय मेरे को इतना भी नहीं पता था कि ये वेबसाइट किसका है, कहाँ का है। बस वो नॉलेज मैंने गेन किया कि अच्छा अच्छा ये दिस इज सपोर्ट लाइन, दिस इज ट्रेंड लाइन, इस तरीके का वहाँ मैंने सीखा था। और उसको मैंने प्रैक्टिकलिटी मार्केट में उसको करने की कोशिश करता था। तो वो पूरा 2 साल का पीरियड रहा जहाँ पे मैंने मतलब दिन रात एक किया था। तो वहाँ से जाके मेरे को टेक्निकल थोड़ा सा समझ में आने लगा और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा। वहाँ से मैंने जैसे बोला कि मैंने 10 ट्रेड सही करने का है। और अभी आप देखेंगे तो मेरा ये हमेशा होता है कि मतलब 10 ट्रेड मिनिमम तो लगातार सही हो। ये डिसिप्लिन कैसे आया? लेकिन ये 10 ट्रेड इजी नहीं है, लेकिन शुरुआत ही आपने कहा कि मैं टारगेट 10 को बोल दिया कि 10 करना है, हुआ कैसे? हाँ देखिए, ये हुआ वैसे कि जैसे मैं जब ट्रेड करता था ना तो ट्रेड सही होता था, गलत भी हो जाता था। तो मैंने मार करना शुरू किया, मैंने मार करना शुरू किया कि अरे लॉस हुआ तो क्यों हुआ, मेरे से गलती हुई या मार्केट हमको समझ में नहीं आया या मार्केट वैसा कुछ बिहेव कर गया। दो कारण से ना, कि एक कहीं हो सकता है कि करेक्ट मैंने करेक्ट। बाई मिस्टेक किया होगा या जो मैंने अभी तक सीखा। दूसरा होता है कि कहीं मार्केट कुछ ऐसा मतलब कि जो एक थोड़ा ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई जहाँ से ऊपर नीचे हो गया, तो उसको मैंने मार अच्छा करना शुरू किया। और मार करने से पता ये चलता था कि मार्केट तो सही चल रहा है, मैं गलत हो जा रहा हूँ। मतलब ऐसी कोई ईगो, बात को समझे। और उसने ऐसी जब कोई ईगो नहीं रखी कि क्या मैं कैसे गलत हो गया? नहीं ईगो नहीं रखी कि मैंने सही हूँ, मैंने हमेशा ये देखा कि कहीं मार्केट भी तो ऐसा नहीं कर गया जहाँ हाँ ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई। तो जहाँ मैंने जब भी देखा तो ये पता चला कि मार्केट तो हद तक सही है, मेरे को गलती था। मैंने ट्रेंड अभी बनने से पहले मैं इंटर कर गया, मेरे को इंटर करना चाहिए था थोड़ा सा 15 मिनट के बाद, मैंने पहले इंटर कर गया। तो उस सारी चीज़ों को मैंने लिखता था। और आज भी मैं बताऊं कि आज भी जो मैं ट्रेड करता हूं ना उसका पूरा अपने हाथों से लिखता हूं कि मैंने क्यों इंटर किया, क्यों इसमें वाओ मेरा टारगेट क्या था, मैंने क्या सोच के इंटर किया, हम ना बताते हैं लोगों पूरा को कहानी की कि तरह। ट्रेडिंग जर्नल रखनी चाहिए अपने पास, वो आपका एक तरीके से बिल्कुल आपका खजाना है। कल को अगर आपको कुछ देखना है कि कल गलती क्या की थी बिल्कुल पहले जाके, तो आप ट्रेडिंग जर्नल से चेक कर सकते हो। बट आप नेचुरली रख ही रहे थे बिल्कुल जो आप कह रहे हो ना, वो ट्रेडिंग जर्नल। बिल्कुल, मैं उसको लिखना, मैं अपने हाथों से लिखना पसंद करता हूँ। होता ना कि स्क्रीनशॉट ले लिए, ऐसा कुछ कर लिए, नहीं, मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, आज भी लिखता वाह। हूँ। बट यार आपके घर वालों ने कहा नहीं कि यार क्या आईएएस वाईएएस बनो, कोई पढ़ाई करो, तैयारी करो, क्या ये ट्रेडिंग करते रहते हो? हाँ देखिए, बिहार में तो खैर हाँ आईएएस बनने का एक परंपरा है। और चूंकि हम बताएं कि मैंने बिलोंग करता हाँ था एक मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे गार्जियन में उतना एक अवेयरनेस नहीं था कि इसको आईएएस बनाना है, लेकिन हम लोग को बचपन से बाहर रखे थे। मेरा मेरा गांव होता है, एक छोटा गांव में मैं रहता था, वहाँ से हम लोग को गया रखा गया पढ़ने के लिए। वो पढ़ाई के दौरान में एक चीज़ आई कि हमेशा ना मतलब न्यूज़ देखते थे तो हमेशा आता था कि आज सेंसेक्स इतना नीचे इतना ऊपर, और ऐसे ग्राफ आता था, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या है। तो मैंने पहला बार आपको, मैं मेरे को याद है कि मैंने जाके पहले साइबर कैफे में गया, वहाँ पर आवर का एक पैसा दिया जाता था, जाके उसको दिए और पहला मारे थे कि व्हाट इज ग्राफ इन स्टॉक अच्छा मार्केट। और वहाँ से पूरा खजाना खुल के आ गया कि यार कुछ टेक्निकल होता है, कुछ फंडामेंटल होता है, दूसरे टाइप का एनालिसिस होता है, और वहाँ से वाह। सारी चीज़ें शुरू हो गई। व्हाट इज ग्राफ, मतलब इतना, मतलब नर्सरी क्लास वाला आपने वहां से सीखा कि मैं वहां से सीखूंगा, एंड देन कंटिन्यू किया। हाँ, और वहाँ से मैंने फिर कंटिन्यू किया। और मैंने मतलब गार्जियन को उस समय नहीं बोला था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं अपना पढ़ाई पे भी फोकस करता था। और जब शाम को होता था तो मेरा दोस्त लोग जाते थे क्रिकेट खेलने, लेकिन मैं जाता था साइबर कैफे में कि चलो भैया 10 रुपया दे के कुछ एक क्या घंटा बात कर रहे हो कुछ यार, करके आपकी आएंगे। एज तो सच में कुछ, आप यंग, आप तो यंग अभी भी हो, लेकिन तब तो टीनेजर हो गए, तो उस टाइम पे अपने आप को इन चीज़ों से दूर कैसे बिल्कुल रखा यार? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाई क्या? देख, नहीं, गर्लफ्रेंड तो खैर अभी तक मैंने नहीं बनाया, क्योंकि हमको ऐसा लगता क्या है कि बात है समय यार, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो समय अपना जो है, अपने एनर्जी को, अपना समय को एक शाबाश। सही दिशा में, क्योंकि मेरा मानना था
मैंने एक कहीं पढ़ा था कि आपकी दशा तभी बदल सकती है जब आपकी दिशा सही हो, तो वहाँ से मैंने इसको जो है एक शुरू किया था। इसी में ज़्यादा इन सारी बातों पे मैंने कभी फोकस नहीं किया, बस मेरा टेक्निकल एनालिसिस और मेरा अपना ट्रेडिंग। आपको कोई मेंटर था जो आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा था, या आपका खुद का माइंडसेट इतना था पहले से? नहीं, मेरा मेंटर ऐसा कोई नहीं था। मैं बताया कि मेरा जैसे बड़े भैया लोग हुए, अपना पढ़ाई किए, वो सब अपना एमए किए, अपना सरकारी टीचर बने, लेकिन मेरा ये था कि यार मेरे को ना कुछ करनी है, अपना कुछ करके देखना है। उन लोग तो अपना चलिए अपना कोई गवर्नमेंट टीचर बन गए, कहीं कुछ चले गए, लेकिन मेरा था कि अपना कुछ करना है और कुछ अलग करना है, कुछ चैलेंजिंग काम करना है। और इसमें हमको जैसे पढ़े थे ना, तो कि यार इसमें 95% लोग लूजर हो जाते हैं, 90% लूजर है, कि यार यही तो काम करो, इसमें तो अगर कुछ करोगे तभी तो नाम होगा। जो सब कर रहे हैं अभी जाके सरकारी टीचर बनेंगे तो क्या मतलब है? वही वही सोच कुछ अलग करने की, एक अलग कुछ करने की ठाना, और वहाँ से जाके सारी चीज़ें शुरू हुई और टेक्निकल एनालिसिस सीखते 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 वहाँ से जर्नी अच्छा, शुरू हो गई। 2015 में पहला ट्रेड किया, फिर सीखना शुरू किया, लेकिन जो प्रॉफिट आने शुरू हुए जिसमें लगा कि यार मैं इसमें सच में कुछ कर सकता हूँ, वो कब हुए और ऐसा क्या कर रहे थे कि प्रॉफिट आ रहे थे? देखिए, ये मैं बताया कि 2015 से बातें हुई कि मेरे को प्रॉफिट बनना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने पहला बार अचीवमेंट किया था लगातार 10 ट्रेड। ठीक है, तो लगातार 10 ट्रेड मैंने वहाँ से सही किया था। और जब मैं 2015 में था तो मेरा एक था, उस समय मैंने एक अपने आप को स्लोगन में बांध रखा था कि मेरा जब एज 25 हो तो अपना कार अपना मकान हो, मेरे को अपना फादर से अपना ब्रदर से कुछ नहीं, अपना मकान हो अपना कार हो, तो अगर मैं वो कर पाऊँ तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा। अपना कार 2019 में मैंने नया लिया था, और जिसमें किसी का कोई ये नहीं, मैंने अपना जाकर डिसाइड किया, अपने से गाड़ी लेके आया, तब मैंने गार्जियन को बताया कि मैंने आज कार लेके आया। तो उस टाइम पे तो यार जो आप एज पे होगे, आपके पास शहर में उतनी यंग एज में किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी होगी अपने पैसे से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और मैं बताऊँ, जिस गांव से मैं आज बिलोंग करता हूँ उस गांव में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यार पूरे गांव के लिए एक फख्र की बात है कि हमारा एक लड़का निकला है जो लोग कर रहे हैं, बट उससे क्या गांव की सोच में फ़र्क पड़ा कुछ? घर वालों की पहले तो बताओ, घर वालों की सोच में फ़र्क पड़ा? नहीं, घर वाले तो देखिए, घर वाले तो हमको सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे 2016 से ही, क्योंकि मैंने घर वालों को 2016 में ही कुछ दिखा दिया था, क्योंकि मैंने अपना गांव में घर बनाया, ये सारी चीज़ें मैंने किया, तो उन लोग को लगा कि यार चलो मतलब कुछ तो कर रहा है जो बेहतर है। एक चीज़ यहाँ पे सबसे बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। एब्सोल्युटली। तो एक बार इस बात फैमिली में इस बात को उठा था कि तुम भी गवर्नमेंट क्यों नहीं करते हो, मैंने कहा कि मैंने क्यों करूँ भला, मैं क्यों करूँ भला, आज मैं जिस स्टेज पर हूँ। मैंने पापा को बोला कि पापा आप हमको ये बता दीजिए कि मेरा एज का ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरे एज में या मेरे से 5 साल ज़्यादा एज में भी कुछ ऐसा कर रखा हो। तो फिर उनको समझ में आया, और मेरा कुछ लोग ने भी सपोर्ट किया है, फैमिली मेंबर रिलेटिव लोग ने हमको फिर सपोर्ट करना शुरू किया कि नहीं, अगर इसने अगर यहाँ से प्रॉफिट बना रहा है तो इससे बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं। पहले बताओ मुझे कि किस तरह की ट्रेडिंग से आपने शुरू किया और आगे चल के क्या क्या ट्राई किया आपने? देखिए, स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत कुछ किया, ठीक है, बहुत सारा इंडिकेटर लगाना, बहुत सारा चीज़ें करना, लेकिन वो चीज़ लर्निंग पीरियड था, बहुत चीज़ वहाँ से सीखने को मिला। करेक्ट। ठीक है, और वहाँ से जैसे क्या था ना, मेरे अंदर एक चीज़ हुआ कि जो चीज़ मेरे आता था मैं दूसरे को बताता था, जो भी मेरे आसपास में लड़का इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन मैं उसको बताता था, अरे देखो ये ऐसे होता है, वो नहीं सुनता था लेकिन मैं उसको बताता था। ठीक है, तो वो जो बताने से क्या होता है कि ज्ञान बढ़ जाती है ना, वो मेरे साथ हो गई। तो वो मैं उसको बताता था कि देखो यार यहाँ पे ना तुम लाइन मार्क कर रहे हो, लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे तो आज मार्केट नहीं जाने वाला, तू देख लेना। उसको हम दिखाते थे, उसको फिर उसको कहते थे कि देखो आके शाम को, उसको फिर दिखाते थे, हाँ यार सच में नहीं गया, समझे। तो यहाँ से वो सब चीज़ें होता ना कि ज्ञान बांटे और बढ़ते चला गया। और फिर उसके बाद 2017 की बात आई, तो 2017 के बाद फिर एक अलग कुछ लोग मिले, फिर कुछ हमको यूट्यूब वगैरह पे लेके आ गए, तो वो सारी चीज़ें मतलब वो नेक्स्ट लेवल से हो गई। ये बट इक्विटी भी आप ट्रेडिंग स्पेसिफिकली सेगमेंट की बात करें तो इक्विटी में इंट्राडे डिलीवरी दोनों करते थे, ऑप्शंस किया? नहीं, मैं स्टार्टिंग किया था स्विंग से। मैंने जब पहला ट्रेड लगाया था मैंने स्विंग से शुरू किया था, क्योंकि हमको मार्केट में समय देना चाहते थे, क्योंकि देखिए मेरा ये सब माइंडसेट बहुत पहले तैयार हो गया था कि मार्केट आपसे तो लेगी, मार्केट आपसे लेगी, चाहे तो आपसे पैसा लेगी या समय लेगी। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं मार्केट को समय दे दूं, पैसा ना दूं, कंजूस बन के मैं रहना चाहता। ओके, फिर समझे। तो मैं उसके बाद मैंने क्या किया कि स्विंग से मैंने
शुरू किया कि मैं मार्केट को समय दूंगा तो मेरा रिस्क कम जाएगा, ठीक है। तो उस फंडा से मैंने काम करना शुरू किया और स्विंग इज किंग को मैंने आगे रखा और वहाँ से मैंने जो प्रॉफिट बनाया, ठीक है, वहाँ से मैंने प्रॉफिट बनाया, मतलब एक स्विंग लिया तो 55%, फिर 10%, इस तरीक़े से होते चला गया। और वहाँ से जो पैसा मैंने जनरेट किया 6-7 महीना मैंने करके, उसको एक छोटा सा कैपिटल ला के मैंने इंट्राडे शुरू किया। उस समय लिवरेज के आप पता होगा आपको, लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता था, तो वहाँ से मैंने फिर इंट्राडे शुरू किया और वहाँ से फिर इंट्राडे की जो गाड़ी है चल पर इंट्राडे में आपको थोड़ा रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा नहीं करना पड़ा अपना? आपका स्टाइल स्विंग था शुरू में, तो आपका पास पेशेंस था, टाइम था, इस केस में थोड़ा रिस्क बढ़ता है, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, इसको मैंने जैसे किया ना कि जैसे एक इंट्राडे होते हैं तो इंट्राडे में भी ट्रेडिंग बहुत प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा समझिएगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि हम अभी इंटर कर गए, मान लीजिए कि 10 बज रहा है और 10-15 में हम एग्जिट कर गए, दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं ऐसा नहीं मानता, ओके, ठीक है। अगर इंट्राडे भी करनी है तो अगर मैंने ट्रेड लिया हूँ 10 बजे ना, तो मेरा मानना कि प्रॉफिट तभी इंट्राडे में कमा पाओगे जब तुम्हारा ट्रेड 2 बजे तक चले, 1 बजे तक चले, ओके। क्योंकि अगर मार्केट को अगर आपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड किया है ना, तो मार्केट वो आपको जहाँ आपने सोचा है कि मेरा जाना है 5 रुपये, 7 रुपये जाना चाहिए। बात को समझो, मैंने इस तरीके से मैंने इंट्राडे किया, ऐसा नहीं कि मैंने 10 बजे ट्रेड लगाया 10-15 में एग्जिट, ऐसा नहीं, ओके। मैंने हमेशा 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो किया और हमेशा, मतलब आज भी हम ट्रेड लगाते हैं तो चाहे मेरा लॉस हो जाए लेकिन 1 घंटा का मेरा मिनिमम होता है कि मेरा दिशा में मार्केट 1 घंटा तो रहना चाहिए। अच्छा, तो आप अपने विद इन इंट्राडे एज वेल टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें जल्दी करते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कैल्पिंग तो मैं उसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि फिर वो एक तरीके से ना क्या बोलते हैं, फिर कोई एनालिसिस ही नहीं है वो, तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए तो मार्केट कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन वो मार्केट डायरेक्शन पकड़ने के लिए ऑलमोस्ट टाइम लगता है। बात समझ, मतलब एक टाइम लगेगा मार्केट को, चाहे अप ट्रेंड जानी हो या डाउन ट्रेंड जानी हो। एब्सोल्युटली समझे, तो उसमें मैंने इंट्राडे में आज भी मैं टाइम देता हूँ, जितने भी लोग होते हैं मैं सबको बोलता हूँ कि टाइम दे दो मार्केट को, ठीक है। आप अगर आज भी ट्रेड लगाए हो 1 बजे तक, अगर ट्रेड आपकी दिशा में चलेगी 110% आपको प्रॉफिट ही होगा, और प्रॉफिट भी हो तो बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंट्राडे हम लोग मतलब छोटा सा प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं कि 100 रुपये का स्टॉक ले लिए 101 में हट गए। फेयर इनफ। लेकिन जब आप ये वाली इंट्राडे करते थे तो जनरली आपका कैपिटल किस रेंज में होता था? देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था, हमेशा मैंने जब इंट्राडे आया ना, तो मैं हमेशा छोटा कैपिटल लेके आया, हमेशा जब स्टार्टिंग में तो बहुत ही छोटा कैपिटल लेके आए थे। मेरे को याद है कि लगभग 12-13 हज़ार रुपये का कुछ था, ठीक है। उसके लिए मैंने एक अलग डीमैट अकाउंट खुलवाया। अच्छा, स्विंग वाला में नहीं, स्विंग वाला से अलग कर दिया। ये थोड़ा बताओ कि भैया स्विंग वाला अलग चलता रहे, ये इसका रीज़न बताओ थोड़ा डिटेल में। इसमें ऐसा क्या होता था कि जैसे मैंने कोई ट्रेड लिया था एक बार, मेरे को याद है, तो क्या हुआ था कि मैंने जो स्विंग लेकर रखा हूँ तो होल्डिंग में चला जाता है, और मैं इंट्राडे भी लिया तो वहाँ पे दिख रहा है, उसका भी प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिख रहा है, अरे भाई क्या हो रहा है, और किए तो दोनों का दोनों स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो उसके कारण हम कह रहे यार ये तो बहुत, मतलब उस समय मेरे को उतना अनुभव नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय लर्निंग पीरियड था, और उसको मैंने दोनों का दोनों स्क्वायर ऑफ हो गया, हम किलो जो प्रॉफिट में चल रहा था वो भी गया, इंट्राडे भी गया, इसलिए दो। तो वहाँ से मैंने कहा कि भैया हर चीज़ के लिए सेपरेट एक अकाउंट होना चाहिए, और वो मैंने सारा जो है 2016 के पहले पहले मैंने सारी चीज़ें कर लिया। इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए अलग, स्विंग करनी है उसके लिए अलग, आप तो FNO करते हो उसका भी अलग, उसका भी अलग, FNO का भी अलग, अब FNO भी कर, उसका अलग कर दिए। इसका एनालिसिस का क्या तरीका रहता है, मतलब कोई टूल यूज़ करते हो या ट्रेडिंग ऐप में ही एनालिसिस करते हो? नहीं, मैं देखिए मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था investing.com से। अच्छा, और आज ट्रेडिंग भी उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है, लेकिन मैं आज भी investing.com यूज़ करता हूँ। ये क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है, कई लोग ट्रेडिंग व्यू को बोलते हैं, कई लोग investing.com को बोलते हैं, हालांकि दोनों का मकसद अलग है, लेकिन आपका आपके लिए investing.com ज़्यादा चला। हाँ, मेरे लिए देखिए, मेरे को ना एक्चुअली देखिए, मेरे को सिर्फ कैंडल चाहिए, ठीक है। मैंने सिर्फ प्राइस को फॉलो करता हूँ, कैंडल को समझा, और कैंडल को मैंने 3 भागों में बांट दिया, 3 क का फार्मूला, 3 क का, ओके। पहला क कौन जीता, दूसरा क कैसा जीता, और तीसरा क कहाँ जीता, ओके। जैसे कोई कैंडल मान लीजिए हैमर बनता है, एक मैंने एक बिगिनर के लिए मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सीख सके, तो हैमर तो बना, तो हैमर में सिंपल सी बात है कि प्राइस नीचे गया और वहाँ से बाउंस बैक किया, ओके। यानी कि उसमें बायर ने बाउंस बैक किया, फेयर,
तो वो तो हो गया कि बायर ने, बायर जीता। कैसा जीता? तो बाउंस बैक करके जीता। दो क का तो जवाब आ गया। मेन आता है तीसरा क, जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न तो पता है कि हैमर हो गया, बुली सिंगलफिंग हो गया, लेकिन उसका विराट कोहली कवर ड्राइव तो मार दिया, लेकिन उसको प्लेसमेंट नहीं मिला, तो रिवार्ड तो मिलता नहीं है। तो वही आता है प्लेसमेंट। तो कैंडलस्टिक में भी प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट आ जाता है, कहाँ जीता भाई, इस बात को समझना। तो मैंने उस कैंडलस्टिक को ना, हर एक को मैं हर जगह नहीं देखता, उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे देखता हूँ कि जब तक उसका जगह सही नहीं होगा, प्लेसमेंट सही नहीं होगा, कैंडलस्टिक वर्क नहीं करेगा। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, और वहाँ से मैंने इस तरीके से मैंने ट्रेड करता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं, आज तो मेरे को आज इतना अनुभव हो गई है, इतना कॉन्फिडेंस है ना कि आप दुनिया कोई भी चार्ट खोल के कराओ, मैं उसमें इंडिकेटर ड्रॉ कर दूंगा कि अरे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस इंडिकेटर का वैल्यू ऐसा रहा होगा। और मैं ऐसा करता हूँ तो जितने भी लोग मेरे से सीखते हैं ना, सब कहते हैं कि सर कैसे, हाउ इट पॉसिबल। हम कह रहे भैया 7 साल 8 साल समय दिए हैं, कैसे नहीं होता है। विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया ना, तो विराट कोहली के दिमाग में फील्डर नहीं होते जो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, गैप्स होते हैं, वो गैप देखते हैं कहाँ पे है। बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल, तो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है ना, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कैंडलस्टिक में भी प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि आपको उस प्लेसमेंट पे ही कैंडलस्टिक को देखनी है, हर जगह नहीं देखनी। यही चीज़ एफएनओ में चल जाती है। हाँ देखिए, दुनिया का कोई भी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सेम टू सेम रहती है। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ दुनिया का कोई भी मार्केट में, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बोलता हूँ तो ये नहीं बोलता कि किसका चार्ट लगाऊँ। भैया बोलो दुनिया कौन सा मार्केट लगा दे, बशर्ते लिक्विडिटी होनी चाहिए। पेनी स्टॉक में वो काम नहीं करेगा, जहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड हो रहे हैं ना, वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। और जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, एक ही जैसा काम करेगा। लेकिन इसमें टाइम का प्रेशर होता है ना थोड़ा एफएनओ में, स्पेशली ऑप्शंस में। हाँ देखिए, ऑप्शन में तो बात को समझिएगा कि ऑप्शन में दो तरीके के हैं ना, एक होते हैं कि सेलर है, एक बायर है। ठीक है, तो जो बायर है ना, वो हमेशा देखिए मोमेंटम को तलाशेंगे, और तलाशना भी चाहिए। जब तक वो मोमेंटम में इंटर नहीं करेंगे, मतलब गाड़ी थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिए तो इंटर कर गए, और उसको भैया धीमा होने के पहले उतर जाना है। बात को समझे, जो कि इक्विटी में आपको थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं कि चलो भैया थोड़ा सा, अगर मैंने अभी ट्रेड ले लिया 15-20 मिनट जिग-जैग करो, उसके बाद भी ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट बननी है। लेकिन अगर बुधवार के दिन अगर कोई आज बैंक निफ्टी में ट्रेड कर ले और आधा घंटा जिग-जैग कर ले, उसके बाद 50 पॉइंट ऊपर भी जाएगा, तो उसको प्रॉफिट होने वाला तो है नहीं। तो मोमेंटम को, तो मोमेंटम देखिए, कहीं भी आप देखिएगा चार्ट आपको बता देगा कि हाँ मोमेंटम आ रही है। तो चार्ट का, खासकर वो कैंडलस्टिक का, उस प्राइस का, उस प्लेसमेंट का, ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं यही करता हूँ। मैंने कोई भी मार्केट में हमको बैठा दीजिए, मैं वहाँ से प्रॉफिट निकाल लूँगा, और मेरे को कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। बोलिए कि नरेंद्र जी बताइए यहाँ पे आर एस आई कैसा रहा होगा, मैं बता दूंगा यहाँ पे आर एस आई क्या वैल्यू बता दूंगा कैसा रहा होगा बिना आर एस आई लगाए। अभी अभी नेचुरल हो चुका है ना ये। हाँ, मेरे मतलब मेरा आँख क्योंकि उसको रीड कर पाता है कि अगर मेरे को आर एस आई अगर देखना होगा तो यहाँ पे आर एस आई कैसा रहा होगा। क्योंकि देखिए हम लोग करते क्या, टेक्निकल में पास्ट के डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो हमेशा जब आप कोई भी काम को 7 साल करते रहते हैं एक ही चीज़ को, तो आपके अंदर उस आँख को रीड करने लग जाता है कि अच्छा अच्छा ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, एमएचडी यहाँ पे ऐसा क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि वो कैंडल का ही तो कैलकुलेशन कर रहा है ना, और हम कैंडल को ही रीड कर लिए। तो इसलिए मेरे लिए आसान हो जाता है कोई भी इंडिकेटर को ड्रॉ कर देना कि हाँ ऐसा होगा भैया, यहाँ फेयर इनफ जाके लगा लीजिए, यहाँ पे आर एस आई तो 70 के ऊपर होगा ही होगा, लगा के देख लो। मतलब नंबर्स वंबर सब इंडिकेटर के मुंह जुबानी याद हैं कि कौन से पे क्या लगाना है, क्या नंबर रहेगा, तो कहाँ एग्जिट मारना है। अच्छा, चार्ट पैटर्न्स वगैरह जो यूज़ होती हैं जिसमें ब्रेकआउट्स के बेस पे फोरकास्टिंग हो जाता है थोड़ा बहुत, कहीं उस तरफ गए हैं? हाँ, नहीं देखिए, मैं ज़्यादातर पुल बैक एंट्री पे बिलीव अच्छा करता हूँ, राइट, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करियर में ना, ट्रेंड इज फ्रेंड, रूल नंबर एक। रूल नंबर दो, बाई ऑलवेज ऑन सपोर्ट। लेकिन जब आप ब्रेकआउट करने जाते हैं तो इस रूल को आप भूल सकते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाई ऑलवेज ऑन सपोर्ट, एंड तीसरा क्या है कि बाई ऑलवेज इन ओवरसोल्ड कंडीशन। ओवरसोल्ड कंडीशंस मतलब आपको अप ट्रेंड भी करनी है, अगर बाई करनी है तो अप ट्रेंड भी करनी है, सपोर्ट भी ढूंढनी है, ओवर सोल्ड भी ढूंढ लो भैया, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको 5 क्रिकेटर बताता हूँ, ठीक है, आपने बताना है मुझे कि वो किस तरह के ट्रेडर होते या इन्वेस्टर होते, जो भी होते, वो स्टॉक मार्केट में वो क्या कर रहे होते हैं।
तो एक तो है ऋषभ पंत, एक है राहुल बिल्कुल द्रविड़, एक है विराट कोहली, एक है MS धोनी और एक है सचिन तेंदुलकर। अब देखिए, अब शुरू करते हैं। जो बात आई ऋषभ पंत का, तो ऋषभ पंत जब अगर ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो वो अपना एरिया को पिक करेंगे और वहाँ पे आएगा तो चाहे कुछ भी हो जाए हम बड़ा शॉट मारेंगे मारेंगे, मतलब बड़ा ट्रेड उठाएंगे वो, बशर्ते बॉल उनके एरिया में हो जाए। उससे मतलब नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है, होता है ना कि बहुत सारा हवा दे दिया जाता है कि मार्केट ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला, उनको हवा से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके रेंज में आया वो दबा के ट्रेड उठाएंगे। राहुल राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ बेचारे गंभीरते हैं, वो गंभीरतापूर्वक सारी चीज़ें सोचते हैं, वो बहुत सारा एनालिसिस करेंगे, वो आएगा सोचेंगे कि यार सही सपोर्ट है नहीं है, सही ओवरसोल्ड है या नहीं है, देन मैं ट्रेड लूँ। और मैं वही करता हूँ, मैं राहुल द्रविड़ की तरह ही करता हूँ अच्छा और MS धोनी की तरह प्रोबेबिलिटी लगाता हूँ। अभी MS धोनी के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा। MS धोनी अगर रहेंगे ना तो वहाँ पे क्या करेंगे वो बहुत सारा ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाएंगे कि कौन सा ट्रेडिंग ट्रेड है जो हाई प्रोबेबिलिटी है, भैया उसी में काम करो बाकी को छोड़ दो, मतलब 1:5 वाला करो बाकी को छोड़ दो, उससे नीचे का ट्रेड नहीं करना है, वो हाई प्रोबेबिलिटी पे ही काम करेंगे। अच्छा विराट कोहली। विराट कोहली बहुत दूर की घोड़ा है, ओके तो वो ट्रेडर जो बहुत दूर जाना चाहेगा ना तो वो उस तरीके से काम करेगा कि हमको आज भी ट्रेड करनी है, कल भी करनी है, 2035 में भी करनी है, क्या बात ऐसा एक भी गलती ना करना है कि 2025 में हम बाहर हो जाएं, क्या बात है। और समझ। तो हमारे उस एटीट्यूड से वो काम करेंगे। अच्छा और सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या राय है? देखिए सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट के भगवान बोले जाते हैं, तो अगर वो ट्रेडिंग में भी आते तो उनका जो माइंडसेट, जैसे मैंने खेलते कुछ समय मैंने देखा हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, मतलब मार्केट में चाहे कुछ भी हवा भर दिया जाए, हम अपना माइंडसेट पे अड़े रहेंगे, भैया वो मैगराथ बॉल बिग रहा है बिग रहा है बिगने दो, हमको अपना शॉट खेलते जाना है। क्या तो बात यहाँ पे एज अ ट्रेडर हवा, जैसे मार्केट में क्या होता है बहुत सारे लोग हवा देते हैं, अरे आज मार्केट तो इतना ऊपर चला जाएगा, क्यों जाएगा? अगर जो ट्रेडर है अगर वो न्यूज़ पे ट्रेड कर रहा है ना तो ट्रेडर नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, अपना अपना एक जो पर्सनल जो अपना ओपिनियन होता है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि चार्ट आपको बताता है कि न्यूज़ है या राइट नहीं है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपया पे क्लोज हुआ है और कल जाके 90 रुपया पे ओपन हो गया, तो सिंपल सी बात है मार्केट में कुछ न्यूज़ है, हमको न्यूज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो वही बात है कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे होंगे तो हवा पे नहीं अपने माइंडसेट पे काम करेंगे। फेयर। काफी आप तो यार क्रिकेट टीम के कोच बन नहीं वो अपना अपना ये है, और मैंने तो बस अपना ट्रेडिंग मैंने मैंने जिस तरीक़ा से उसको एक्सपीरियंस किया मैं वो शेयर कर रहा हूँ। बट एग्जीक्यूशन और एजुकेशन सीख लिया आपने, बट उसको एग्जीक्यूट करना और कई बार रिजल्ट्स वैसे भी नहीं आते जैसे सीखा था, या शायद हम ही कोई गलती कर जाते हैं। जो सिखाया था उसमें बिल्कुल चार चीज़ें, शायद एक आधी चीज़ और बिल्कुल बताई थी जो हमने मिस कर दी। तो इसमें काफ़ी लोग गलतियां करते हैं, तो हाउ आप किस तरह से बिल्कुल ये मेक श्योर करते रहे हैं कि आपकी एजुकेशन जो आपने सीखा स्टॉक मार्केट और एग्जीक्यूशन में कुछ खास फ़र्क ना आए? देखिए, इसके लिए मैंने ओके चेकलिस्ट बनाया, ठीक है, कि मेरे को ट्रेड कब करनी है उसका एक चेकलिस्ट हो, एक ट्रेडिंग रूल हो, ओके ठीक है, और जब भी मैं ट्रेडिंग करने बैठता हूँ उसको एक बार पढ़ता हूँ। अच्छा 2013 में मैंने, 2015 में मैंने लिखा, 2016 में मैंने लिखा, लेकिन आज भी पढ़ता हूँ, मेरे को याद है लाइन बाय लाइन ही याद है, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, समझे ना। एक समय की बात था कि एक मेरे को बोले थे कि यार मार्केट में मेरे को कितनी लानी है, मेरा अपने रिलेशन के थे, तो मैंने उनको बोला था यार छोटा कैपिटल लाएंगे बड़ा वेल्थ बनाएंगे, तो हंसे थे कि ऐसा होता है, हम कैसा ऐसा ही ही होता होता है, है। अगर आपके पास स्किल है तो हम छोटा कैपिटल लाएंगे और बड़ा वेल्थ बनाएंगे, क्योंकि बरगद का पेड़ थोड़ी रोपा जाता है, बरगद का तो ब्रिज जो बीज जो उसका बीज होता है उसको हम लोग रोपते हैं ना, अब बरगद का पेड़ बनता है। तो मैंने जितना भी मैंने ट्रेड किया, मैंने अपने लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ कि मैंने छोटा कैपिटल लाया 5,000 4,000 8,000 और उसको मैंने 3 महीने 4 महीने में 10 गुना किया इंट्राडे वाह ट्रेड करके,
और मैंने 2021 में ऐसा एक बार किया हूँ, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे भी उसको पब्लिश किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी आता है ना, सर कैपिटल कितना चाहिए। मेजरली तो मैं बोलता हूँ कैपिटल नहीं चाहिए, यहाँ स्किल चाहिए। अगर आपके पास स्किल है, आप छोटा सा पैसा को बरगद का पेड़ बना लोगे। अगर स्किल नहीं है, सिर्फ वो आजकल का वो टेलीग्राम देख के और बाकी चीज़ों देख के, अरे बाप इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट करेंगे, उससे तो भैया वाइप आउट हो जाओगे। पॉइंट हाँ, तो वही है कि आजकल के लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट देख के आ जाते हैं ना मार्केट में, इसलिए नहीं आ रहे कि उनका कुछ वेल्थ क्रिएट करना है, कुछ अपना करना है। वो बड़ा प्रॉफिट देखे, अरे यार 60,000 एक दिन में, और वो कैलकुलेट कर लेंगे 60,000 इंटू 20 आगे 50 भी, हाँ ऐसा कैलकुलेट करेंगे, हाँ ऐसा मतलब, हाँ वैसे वैसे कर लेंगे। ये माइंडसेट थोड़ी सही है, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक भी है और एक्चुअली इम्पॉसिबल है। आप नुकसान भी पार्ट है। अच्छा नुकसान खैर नरेंद्र कुमार आपका भी हुआ होगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हुआ था मेरे को, मतलब स्टार्टिंग फेज में मेरा नुकसान होता था, लेकिन मैं बोला कि मैं कंजूसी करता हूँ, मतलब चाहे कुछ भी कर लूँ, एक मेरा कॉपी पे लिखा हुआ है गलती से भी गलती नहीं करनी है, बात को समझे। तो वहाँ से मैंने इस चीज़ को हमेशा रखा कि मेरे को अगर मेरा कैपिटल इतना, तो कुछ भी हो जाए इससे बड़ा तो लॉस लेने ही नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मेरा लॉस स्टॉप लॉस हिट। मैं उसी तरीका से क्वांटिटी मैनेजमेंट किया। स्टार्टिंग में बहुत सारा लॉस होता था, मैंने जब सीख रहा था तो 10 ट्रेड करते थे तो 7 में स्टॉप लॉस हिट होता था। अभी भी नहीं पता कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ, अब उस पर मेरा चिंतन चलता था कि मैंने गलती किया। उस समय तो स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलता है ना कि हम गलती किए, कि मार्केट कुछ गचा दे दिया, कुछ वोलेटिलिटी आगे किया आ गया। तो ये सारी चीज़ें 2016 के बाद तो एकदम स्मूथली चलने लग गया। और मैं आपको बताऊँ, आपको कि डाटा मिला भी होगा, मैं आपको सेंड किया था और मेरा चैनल पर भी अपलोड किए थे, लगभग 4,000 को 40,000 बनाए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे उस पर, और मात्र 3 महीने में। और उसमें लॉस मैं आपको बता दूँ, एक 101 रुपये का लॉस है और एक 51 रुपये का लॉस है। मेरे को वो जानना है कि आपका अभी तक का सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ है, कब हुआ है, कितना परसेंटेज, पैसे का मत बताना चाहे बट परसेंटेज का बता देना चाहिए। परसेंटेज का अगर मैं बताऊं तो मेरा एक दिन 2019 में हुआ है लॉस, जो इधर हाल में हुआ था, और लगभग 14,000 का लॉस था। ओके और वो मैं बताया, वो ओवर ट्रेडिंग से आया हुआ, मैं अपना रूल को ब्रेक किया, ओवर ट्रेडिंग किए। कितने कैपिटल पे नुकसान हुआ था ये लगभग 4-5 लाख रुपए पे हुआ था, तो वो ओवर ट्रेडिंग हो गई। बात एक मैंने क्या किया कि मैंने दूसरा ट्रेड करके मैंने प्रॉफिटेबल हो गया, लेकिन मार्केट उस दिन सडनली एक मोमेंटम आ गया, और मोमेंटम आया तो हमको लगा कि यार चलो इंटर कर जाते हैं, और एक बार तो ऊपर गया 15 मिनट का कैंडल, वो अगले 15 मिनट का कैंडल इतना बड़ा बना कि जो जो प्रॉफिट था उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हुआ था क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा उस दिन वोलेटाइल था, हम और दूसरी बात कि हमने ओवर ट्रेडिंग भी की थी, तो ये 14,000 का लॉस हुआ। और जो हुआ भी तो मेरा अपना मनी मैनेजमेंट से बाहर नहीं गया। रिस्क मैनेजमेंट का तरीका क्या है आपका? रिस्क मैनेजमेंट का तरीका मेरा ये होता है कि अगर मेरा मान लीजिए कि मैंने अगर 5 लाख से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसका 0.5% या जो था 0.75%, इससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना। बिलो 1% मैं लॉस रखता हूँ, और मेरा जो रिवार्ड होगा वो मिनिमम 1:2 और उससे ऊपर। 1:1 पे तो मैं ट्रेड नहीं लगाता, क्योंकि मैं बोला ना मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ। और जब मैंने ट्रेड छोड़ते गया तो मेरे को ये पता हो गया, मेरे को ये मालूम चलने लग गया कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सा होता है। तो मैंने भले ही मैंने 0.5% या जो 0.25% पर मैंने काम किया, लेकिन मेरे को जो रिवार्ड आ जाती है वो 1% 1.5% 2% का मिनिमम आ जाता है, 2% 1.5% ऐसा करके आ जाता है। जो भी कैपिटल होता है आपका, उसको अपनी इंट्राडे में आप कितने स्टॉक्स या कितने प्रोडक्ट्स में बांटते हो? नहीं देखिए, मैं तो अगर इंट्राडे किया तो वन टाइम में मेरा वन पोजीशन ही ओपन रहेगा, ये मेरा अपना रूल है। मतलब एक बार में मैंने ऐसा नहीं कि मैंने 2-3 स्टॉक में बाई करके या सेल करके बैठा हूँ, ये मेरा नहीं होता। एक स्टॉक होगा, या अगर मैंने फ्यूचर ऑप्शन में काम किया है तो मैंने ऑप्शन बाई किया हूँ तो ऑप्शन में एक ही रहेगा, कोई चाहे ट्रेड हो एक होगा। अगर वो क्लोज हो जाएगा उसके बाद अगर ऑप्शन दिखेगा कि नहीं इसमें भी मेरा ट्रेड बन रहा है, देन मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, नहीं तो नेट प्रैक्टिस करूँगा। अच्छा फेयर इनफ। आपको लगता है कि ये शायद दिस इज़ वर्किंग फॉर यू, बट जनरली क्या अगर आप 2-3 साल पीछे जाओ, जब आप थोड़े नए होंगे, 2-3 क्या 4-5 साल पीछे चले जाओ,
तो उस टाइम पे भी आपका ऐसा ही तरीका था कि आप सिंगल स्टॉक में ही अपनी ट्रेडिंग करते थे या तब आप थोड़ा ये अलग सब करते थे? देखिए, ये मेरा जो प्रोफेशनल थोड़ा सा मेरा आया ट्रेडिंग में, ये 2015 के बाद आ गया। हाँ 15 के बाद मेरा ट्रेडिंग रूल बन गया, उसके डिसिप्लिन मेरा हो गया, हाँ क्योंकि मैं वहाँ से 2015 के बाद ऐसा बहुत कम हुआ वो मार्केट मेरे को थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा होता है जो आपको कभी आप सोचे पूछे कुछ ऐसा बिहेवियर कर जाता है कुछ परसेंटेज, तो वही हुआ। उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ कि कुछ मार्केट ने आपको कुछ गोली बोल बेच दिया हो। तो मैंने हजार उसको 2020 का कोविड का टाइम को कैसे आपने फिर मैनेज किया? देखिए, कोविड का जो समय था, मैंने उसको स्टार्टिंग पीरियड में मैंने कोई ट्रेड नहीं मारा। मैंने जब, आपको चार्ट याद होगा, जब एक करके ऐसे आ रहा था, तो जो उसके बाद जो आना शुरू किया वहाँ से मैंने पैसा बनाया हूँ। मैंने बहुत बड़ा मूव छोड़ा है, उसके बाद एक ऊपर गया, जैसे नीचे आया था मैं पैसा बनाया। मैं हमेशा पुल बैक का इंतजार करता हूँ। मार्केट 90 डिग्री पे गिर रहा हो और वहाँ पे हम मतलब ये नहीं करिए यार अब तो कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अलग विषय है भैया। जिसको नीचे जाना होगा वेव लगाएगा ही लगाएगा, वेव क्रिएट करेगा ही करेगा। उस तरीका से मैंने उसको ये किया। आपका ट्रेडिंग सेटअप जो है अभी वो कैसा दिखता है? मतलब हाउ डू यू, जैसे मोबाइल से करते हैं या पूरा फुल फ्लेज कुछ बनाया है नहीं, आपने? मैं मोबाइल से तो कभी मैं एनालिसिस नहीं करता ओके और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता, ठीक है क्योंकि उसमें आपका 102 कैंडल में आपका पूरा स्क्रीन चला जाता है। कुछ ठीक दिखता है, नहीं है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जूम आउट करेंगे तो आपके जो कैंडल का जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आएगा। तो मोबाइल से एनालिसिस करना कहीं से भी रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं हमेशा अपना एक सेटअप रखता हूँ जिसमें अलग अलग स्क्रीन पे मैं अलग अलग चीज़ें चला रहा होता हूँ, और मेरा जो भी सेटअप होता है मेरा सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक लगा होता है, इसके अलावा कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं अभी आप? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक मेरा एक लाइन हो गया, एक जिसको मैंने लक्ष्मण रेखा बोलता हूँ, वहाँ आने का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद कैंडल को देखता हूँ, और मेन इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले बताया प्लेसमेंट। अगर वो प्लेसमेंट है सही है वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट को अगर वहाँ से नीचे जाना होगा तो बता के ही तो जाएगा ना, क्या बात है। बिना बताए मार्केट नीचे कैसे चला जाएगा। और बताएगा तो स्माइल देगा, कैंडल स्माइल देगा, कैंडल आपको बताएगा कि अरे भैया हम तो नीचे जाने वाले हैं, सावधान रहो। बट ये अभी नेचुरल हो गया होएगा, लेकिन ये जो अभी नेचुरल हो गया है ये पहले नेचुरल नहीं होगा ना, तो इसमें ट्रांजिशन हुआ कैसे, ये फ़र्क आया कैसे? कि जैसे पहले जो मैंने लॉस कर रहा था तो पता भी नहीं चल रहा था कि मेरा लॉस किस रीजन से हो रहा है। ठीक है, मैंने पढ़ा कि सबसे तरीका से ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट लगा दिए, प्राइस आया, बाई कर लिए। तो फिर मैंने देखा कि हमने तो यार कैंडल का इंतजार ही नहीं किया कि कैंडल वहाँ पे क्या कहता है, कि हम ब्रेक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अगर वहाँ पे वो रुकेगा और करेक्ट, फिर चलना शुरू करेगा, हम उसका इंतजार ही नहीं किए, प्राइस वहाँ आया, हम बाई कर लिए। फिर वहाँ लगा कि नहीं, मैंने यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा, हमको कैंडलस्टिक का इंतजार करें। फिर वहाँ पे कैंडलस्टिक का इंतजार करते थे, और उसके बाद मैंने जब ट्रेड लेना शुरू किया तो मेरा एक्यूरेसी ऐसे ही बढ़ गया, थोड़ा सा मेरा एक्यूरेसी बढ़ गया। हम कि अच्छा, फिर मैंने कहा कि इसको सपोर्ट को अच्छा सा ड्रॉ करो, मेन इंपॉर्टेंट है सपोर्ट को ड्रॉ अच्छा करना। तो मैंने फिर सपोर्ट को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। चिंतन जो है ना अपने आप में, उसको एनालिसिस करना, वो सबसे बड़ी कला है यहाँ। ऐसा नहीं कि अरे मार्केट तो हो जाता है, क्या करें, ऐसे ऐसा करके लोग चले जाते हैं। अपने ऊपर चिंतन करना कि यार हम इसमें और क्या कर सकते हैं। आज भी हम उसको, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इसमें हम क्या सीखे उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, कि हमको, क्योंकि आगे और तो सारी चीज़ें करनी है ना। तो इसलिए हम आज भी ट्रेड करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि इसमें हम क्या सीखे, इसको और कैसे बेहतर कर सकते थे, क्या हम जो ट्रेड लियो सही समय था, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस समय पे जो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जाके 2:30 बजे आप ट्रेड इनिशिएट करिएगा तो कहीं से भी जायज़ नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी मार्केट आपके पास समय है नहीं। तो वो सारी चीज़ों को देख के अपने आप में चिंतन करना, आदमी बोलते हैं मैं थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा हूँ तो थोड़ा सा वो सारी चीज़ भी वर्क करती है, और अपने आप में एनालिसिस करना, चिंतन करना, और वो चीज़ें ना ऑटोमेटिक दिमाग बोलता है कि यार इसको इस तरीक़े से करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बता रहे थे कि आप सिखाते हो फिर? हाँ, तो वही सिखाते हैं, तो मैंने उतना ज़्यादा नहीं सिखाते, महीने में मात्र 3-4 लोग को ही मैं सिखाता हूँ।
मैं जिनको भी सिखाता हूँ कम से कम 3-4 महीना उनको मैं सिखाता हूँ, जो एक बिगनर है उसका माइंड में अगर डाउट ही क्लियर नहीं हुआ, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं तो बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि लॉस करके दिखा दो, तुम में अगर इतना टैलेंट है तो लॉस करके दिखाओ, तो कहते कि नहीं होता है। और मैं आपको बताते हुए गर्व कि मैं ये कर रहा हूँ कि आगे आने वाले में कोई मेरा आपका ये सीरीज में कोई स्टूडेंट रहेगा जरूर। वाह, ओके ओके, क्या बात है नरेंद्र। अभी तक कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं आप? देखिए मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी तक मैंने लगभग लगभग 50 लोगों को मैंने सिखाया है। वन टू ठीक वन? है, हाँ 1-to-1। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने 2017 में मैंने अपना यूट्यूब क्रिएट किया था, वो भी मैंने अपना स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पे ही किया था। अच्छा, ठीक है, कि सर आप इतना अच्छा करते हैं तो कुछ यूट्यूब पे बताओ। 2017 पे आए, उस समय मेरा यूट्यूब बूम कर रहा था, ठीक है, उस समय मेरा 18-19 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे 2017 में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ना दुकान खुल गई और मैं उस भीड़ से बचना चाहता हमेशा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लगा कि यार मतलब स्टॉक मार्केट से कम और ऑप्शन से कम किसी को जानकारी ही नहीं है भारत में। तो आपको तो क्या क्वेरी क्या आती थी? लोग यूट्यूब पर रीच आउट करते होंगे तो क्या कहते थे, क्या सिखाओ वहाँ पे? देखिए बहुत सारे लोग को तो इंक्वायरी आती थी ना कि सर स्ट्रेटजी सिखा दो। अच्छा, कि सर स्ट्रेटजी सिखा दो, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेटजी हो जाए कि मतलब वो प्रॉफिट देता रहे। जादू मंत्र सिखा दो कोई। हाँ, कि कुछ ऐसा सिखा दो जो मतलब हमेशा वर्क करे। लेकिन मेरा है कि भैया हम हमेशा बताते थे, मैंने फोन पे भी बात करता था, ऐसा नहीं कि जो मेरे को फीक पे किया मैं उसी से बात करूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं मार्केट में अगर मैं सक्सेस हूँ तो मेरी ये दावी तो बनती है ना कि कोई पैसा दे या नहीं दे, उसको सही डायरेक्शन दे देना काम है। अब उसको चलना नहीं चलना उसकी मर्जी, लेकिन अगर किसी ने अगर हमको ढूंढा है, किसी ने अगर हमको कॉल किया है, व्हाट्सएप किया है, तो उसको सही दिशा दे देनी मेरी फर्ज बनता है और मैं उसको करता हूँ, समझे? जिस तरह से, हाँ भाई, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ना, अपने बच्चे की या स्टूडेंट की ना पूरी जिम्मेवारी उठा लेते हो, तेरा कुछ करके रखूंगा मैं। बिल्कुल, जब तक आप वो नहीं करेंगे ना तो वो फिर तो वही बात है ना दुकान वाली, फिर आप ट्रेडर कहाँ हो या आप मार्केट में सक्सेस फिर कहाँ पाए हो? मार्केट में सक्सेस पाने का है ना कि सर आपका लोग ना आपको स्टूडेंट आपके नाम से बोले कि मैंने सर सर के पास सिखा है, भाई सर ने मेरे इस लायक बनाया है, नरेंद्र सर ने आज हमको यहाँ पहुँचाए हैं, तब मैं मानूंगा कि मैं सक्सेस हूँ, मेरे को टेक्निकल एनालिसिस आती है। एक चीज़ बताओ कि बिगिनर तो चलो ठीक है, बट जिसको 2-3 साल मार्केट में हो गए वो भी कई बार गलतियां करते हैं। कई बार गलतियां इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि भैया मैं अब मेरे को सब समझ में आ गया है। हाँ, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बैलेंस बनानी ज़रूरी है। ये बैलेंस बनानी ज़रूरी है कि भैया सिंगल से सीधा छक्का पे नहीं जाओ, चौका मारो फिर ऊपर मार कोहली बनो, समझे? तो वही बात है कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे गलती करते हैं। मैं आपको मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है, ठीक है, पिछले जो वीक का पुट बाई कर रखे थे महाराज जी, ठीक है, उसने किसके कहने पे? एडवाइजरी के कहने पे। खून नहीं खोला? अरे खून तो मैंने उनको, मैं बोला ना कि मैंने कॉल बैक किया, स्क्रीन मेरे को भेजे व्हाट्सएप पे, मैंने उनको तुरंत कॉल बैक किया कि आप कर क्या रहे हैं भैया। मैंने ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे कुछ से छोटे हों बड़े हों मैंने भैया करके संबोधन करता हूँ, भैया आप कर क्या रहे हैं? तो सर ने हमको एक एडवाइजरी वाले ने हमको 1 लाख रुपया अभी अकाउंट में डलवाया और ऐसा करवा दिया। हम कि अरे आपका पैसा था, आप उस पैसे को नहीं संभालेंगे तो बाकी लोग थोड़ी संभालेंगे। आप पैसा काम हमको बता दो, आप 100 रुपये का 200 रुपये का आप सब्जी लेने जाते हो ऐसे ऐसे पलट के देखते हो और यहाँ 1 लाख रुपया दूसरे के हवाले कर दिए, भाई कैसे, मतलब क्या माइंडसेट है? सर गलती हो गई, सर कैसे निकले इसमें से? हमें कुछ नहीं, जितना लॉस है उसमें निकलो, उसमें दूसरा उपाय क्या है? उपाय ही नहीं है ना, क्योंकि आपका इतना बड़ा लॉस हो चुका है, आप इसमें एवरेज करने जाइएगा, मार्केट अप ट्रेंड में है तो फंसना है। तो इस तरीके के लोग आते हैं मार्केट में और ज़्यादा संख्या इन्हीं लोग का है, तभी तो एडवाइजरी लोग का अपना दुकान चल रहा है। मेरा वो सवाल बीच में थोड़ा रह गया कि जो आपका दिनचर्या है, आप शाम को सिखा लिया है आपने, उसके बाद जो टाइम बचता है, हाँ तो उसमें होमवर्क किया गया, उसमें होमवर्क किया गया, होमवर्क कर लिया गया, हाँ, और उसके बाद फिर मेरा एक अपना थोड़ा म्यूजिक वगैरह पसंद है, थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा एयरफोन लगा के कर लिए, कूल हो गए, उसके बाद आराम से रात्रि का आराम किए, नींद प्रॉपर लेता हूँ। ट्रेडर को ना नींद प्रॉपर लेना ज़रूरी है,
अगर लेट नाइट आप सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा तो ये आपका मतलब ट्रेडिंग में ही इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ट्रेडिंग पूरा ऑल अबाउट योर माइंडसेट। और माइंड जब भी ज़्यादा आप उस पर प्रेशर दीजिएगा तो उसको रेस्ट भी तो दीजिएगा ना। तो प्रॉपर नींद हम लेते हैं और सभी ट्रेडर को लेना भी चाहिए। लॉस भी हो गया भैया उस वहीं पे भूल जाइए उसको, रात को अपने बिस्तर पे लेकिन मत जाइए। प्रॉफिट हुआ बस वहीं भूल जाइए। कहना आसान है। नहीं, करना भी आसान है, बशर्ते अच्छा आप अपने आप को नियम में बांध के रखे हैं, आप अपने ओके। ऊपर काम करते हैं। आप अपने ऊपर भी तो काम करेंगे ना एज ए ट्रेडर। आप कोई हाँ भी ऐसा प्रोफेशन बताइए कि लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। हर एब्सोल्युटली। प्रोफेशन में लोग अपने अपने, क्रिकेटर है कितना मेहनत करता है, जो दौड़ता है वो कितना अपने ऊपर, जो तैराकी करता है कितना मेहनत करता है, हाँ सब अपने ऊपर काम करते हैं। तो ट्रेडर को भी तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना, कि हमको कैसे रखे कि मेरा माइंड सही दिशा में काम करे। आगे क्या सोचा है नरेंद्र कुमार आपने कि अगले, अभी 2022 चल रहा है ना, मैं थोड़ा आप लंबा लेके जाता होता हूँ ये सवाल को, और आप बहुत यंग भी हैं अभी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब 2035 में क्या कर रहे होगे? हाँ, तो अगर मेरे को कोई, अगर आप पूछ रहे हैं जैसे कि 2035 में आप क्या कर रहे होंगे, मेरा पोजीशन साइजिंग ही सिर्फ बढ़ेगा, और वो भी बढ़ेगा एक कैलकुलेशन के साथ। वो हार्डली सार्डली जो मैं अभी देख रहा हूँ जिस तरीका से, वो 14% 15% या हार्डली सार्डली 20% बढ़ जाएगा। अगर मैं आज 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो 2035 में मैं आपको 120 क्वांटिटी में ट्रेड करते मिलूँगा। क्या बात है। उस तक पहुंचने के लिए आप क्या डे टू डे मेहनत करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजीज में, आपके माइंडसेट में, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, उसमें फ़र्क आए कि आप जो पहले करते थे 1 साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले भी जो करते थे एनालिसिस, आज वाला एनालिसिस उससे बेहतर क्यों है? इसका एक बड़ा रीज़न है कि मैं डेली बेसिस पे मैं अपने हर ट्रेड को ना एनालिसिस करता हूँ। ओके मैं जैसे भी थोड़ा सा पीछे बात कर रहा था कि मैंने लिखता हूँ कि आज मैंने जो ट्रेड किया एक प्रॉपर था पहले, इसमें और क्या किया जा सकता था। अच्छा, प्राइस को मोमेंटम इस तरीका से हुआ, अच्छा आगे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बात को समझे, क्योंकि आप मार्केट में जितना समय बिताइएगा, मार्केट तो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट को रिपीटेशन वो आपका ना माइंड के पीछे वो पिक्चर बन जाती है। अच्छा, ऐसा हुआ था यानी ऐसा होने वाला है, तो यहाँ पे बच के बस प्लेसमेंट देखो, काम करो। तो यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है अगर बिगनर के लिए कि वो अपने हाथ से लिखना शुरू करे हर ट्रेड को। अगर यहाँ तक कि वो चाहे तो जितना समय वो देख रहा है ना चार्ट को देखे, MTM को छोड़ के चार्ट को देखे, और जो उसका माइंड में आ रहा है लिखता जाए, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है धारा प्रवाह, भैया 3 घंटा ये चलो लिखो लिखो लिखो, उसी तरीका से लिखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मार्केट क्या कर रहा है, और करके कोई देख ले, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको ना साल भर में उसको फर्क पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग का स्कूल होता ना, तो उसके प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार ही होते हैं। हाँ, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ये तो अपना है, लोग ऐसा कहते भी है, जो मेरे पास आए हैं वो ऐसा बोलते हैं। और एक मेरा अपना एप्लीकेशन, हम एक किए थे उसको, क्या मैंने एक बात। एप्लीकेशन बनाया हूँ, तो उसको मैंने बस पब्लिश, ज़्यादा भी मैंने उसको कहीं कुछ ऐसा नहीं किया। तो उसमें एक सर लिखा था कि यू आर खान सर ऑफ स्टॉक मार्केट, ओ वाह, कह कि जैसे खान सर ने सकते एक एक चीज़ को तोड़ के बता देते हैं और कहते हैं कि भूल के दिखाओ, जस्ट हैं। लाइक हाँ यू, कि आप भी ऐसे ही बोलते हैं कि भैया लॉस करके दिखाओ। बताओ, अपनी ऐप का नाम बताओ। स्टॉक एडवाइस ही है, मेरा चैनल के नाम से ही है। अच्छा चलो, वो तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हाँ, तो स्टॉक एडवाइस के ही नाम से मेरा एप्लीकेशन भी है और मेरा चैनल भी उसी नाम से है। तो मैंने बस एक ना अवेयरनेस पर्पज़ से मैंने सारी चीज़ें किया था। मैं बोला ना कि मेरा यूट्यूब चैनल 17 से है, 4 महीना तक वीडियो डालता हूँ नहीं डालता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने देखा कोविड टाइम में कि दुकान बढ़ते जा रही है, तो मेरे को ऐसा लगा कि नॉलेज को जो चीज़ चाहिए लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ एक्सेप्ट में करने लगे। और इस चीज़ को अभी आप देखेंगे तो जो 2019 में थे ना, 2022 में बाहर हो चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन वही है, दुकान वाला, दुकानदारी चलती है ना। दुकानदारी चलने लग गई। मतलब स्टॉक मार्केट से कम और वो ऑप्शन से कम किसी को कम जानकारी नहीं है इंडिया में। एक्चुअली मोदी जी को टेंशन आधा खत्म हो गया है। बात को समझना है, यहाँ पे मैंने बताया 2017 में मेरा 18,000 सब्सक्राइबर के बाद स्टॉक एडवाइस पे मैंने इस डिसीजन लिया,
मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग सीख रहे थे, उसके बाद भी मैंने लिया कि यहाँ सीखने से ज़्यादा लोग ना सीखने वाले हैं, ट्रू, क्योंकि अगर मैं जितना यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आगे बढ़ूँगा, मैं भगवान बुद्ध की धरती से पढ़ा हूँ तो मैं उसी पे चलता हूँ कि आप अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। तो आज इस माध्यम से भी बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे, होपफुली होपफुली। बहुत अच्छा लगा नरेंद्र कुमार, यू आप एक इंस्पिरेशन हो यार, बहुत ही यंग एज में आप इतना स्ट्रांग माइंडसेट लेके चल रहे हो स्टॉक मार्केट जैसी जगह पे जहाँ पे तो लोग फिसलने के लिए ही आते हैं। तो बात करके ऐसा लग रहा है कि मैंने किताब पढ़ ली ऑनेस्टली, एंड मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात कि आप जो भी बच्चों को या स्टूडेंट्स को या ट्रेडर्स को पढ़ाते हैं उनको 1-to-1 समय देते हैं एंड जिम्मेवारी लेते हैं कि भाई नुकसान करके दिखा, यही चीज़ चलते रही है। बहुत सारे लोगों को आपसे सीखना चाहिए मोस्टली। बिल्कुल, जब तक आपको मेंटर ही आपको ये चीज़ नहीं करवाए तो फिर तो वही बात हो गई ना, जैसे आप कहीं मान लेते हैं कि नरेंद्र कहीं सीख लिया। मैं अपने ऊपर एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ, नरेंद्र आप कहीं सीख लिया, वहाँ सिखा दिया गया, सिखा देने के बाद अब आप आ गए, अब आपको 100% है कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकलिटी करने में, एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी। और उस समय अब आपका मेंटर ही आपके साथ नहीं है। करेक्ट, अब मेंटर है तो बोलेगा कि भैया शाम को व्हाट्सएप कर दो, तो क्या मतलब है। मैं बोला ना कि मैंने अपने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैंने 200-200 घंटा में लाइव मार्केट में बात किया हूँ, करता हूँ, क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता है। मेरा ट्रेड लग गया, मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि देखो मेरा ट्रेड लगा हुआ है, मैं शेयर कर देता हूँ। किस लिए? क्योंकि उसको पता हो कि सर ने किस बिहार पे ट्रेड लिया, समझे। तो लोगों का जो सीखने वाले हैं करेक्ट उसको अप्रिसिएट करेंगे, जो घूमने वाले हैं वो घूमते रहेंगे। सिंपल सी बात है। तो आप भी बहुत अच्छे कर रहे हैं और हम तो हमेशा आपका चैनल देखते रहते हैं हमेशा, समझे। मतलब जब बहुत स्टार्टिंग पीरियड था तब से मैं देखता हूँ। क्या बात है, समझे। हाँ, बहुत पहले से, मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है जब ऐसी बातें सुनते हैं ना। हाँ, बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ कि मतलब 2019 में भी वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। और मैं बताऊँ कि मैं यहाँ भी आऊँ, मेरा एक स्टूडेंट का ही है, अमरजीत जी उनका नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने आपका गूगल लिंक हमको भेजा है। मैं बोला ना, मैं अपने स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमने बंद रहता हूँ 360 डिग्री पे। सुपर। स्टूडेंट बोलेगा कि सर कुछ वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ आप एक कर दो, मैं करूँगा, जो मेरे को लगता है कि अगर इससे कुछ बिगनर को भला हो जाए। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो आप आज मैंने किया है, आज आपके साथ जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छा लगा, और इस होप्स के साथ कि जो बिगनर है उसको सीखे होंगे, समझेंगे। और इसका दायित्व भी एक मेरा स्टूडेंट को ही जाता है, उसने हमको लिंक भेजे हैं व्हाट्सएप पे कि सर इसको ज़रूर कीजिएगा। क्या नाम, क्या उनका? उनका अमरजीत नाम है। ठीक है, अमरजीत, 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 अमरजीत सिंह। तो थैंक यू सो मच अमरजीत सिंह कि आपने ये लिंक शेयर किया नरेंद्र कुमार जी के साथ, दैट वाज रियली काइंड ऑफ यू, और हम दोनों को मिलाया, और एटलीस्ट मुझे तो बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सो मच नरेंद्र। ओके, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।